ये जो चीज़ मैंने अभी की है इसको करने के लिए मुझे अभी तक लग रहा है कि पता नहीं कितने 500,000 कमेंट्स आए कि भाई बाइक कब निकालोगे, राइड पे कब जाओगे। तो आज वो दिन है जब मैं यहाँ से धर्मशाला से राइड पे निकल रहा हूँ। कहाँ निकल रहा हूँ, कौन कौन से रास्ते पे निकल रहा हूँ, इसके बारे में मैं बाइक पे चढ़ के बात करूँगा। लेकिन पहले फटाफट अभी बस एक पैनियर लगाया, सारा सामान पैक करते हैं, यहाँ पे सबको बाय बाय बोलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आज के अपनी राइड के लिए। तो यहाँ पर हमारी लजवंती रेडी हो गई, लेकिन मुझे अभी तक लगा था कि मैं सोलो जाऊँगा, लेकिन मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ। हमारे साथ जो कल के वीडियो में डॉक्टर साहब थे, डीजे, तो डीजे भाई जा रहे हैं। एंड डीजे भाई चला रहे हैं CB 300R फ्रॉम होंडा। ओके डीजे, वील हैव अ गुड राइड टुगेदर। एंड हमारे कर लो भाई, कर लो, पहले ये कर, पूरा कर लो भाई। चलो आदर्श भाई, हैप्पी जर्नी, आशीर्वाद और अपना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। तो मैं आप लोगों के बारे में बता देता हूँ, आप, आपका नाम है? अर्पिता। आपका नाम है? अर्शिता। तो ये सारे लोग आए हैं फरीदाबाद से, आज पूरा दिन घूमेंगे, कल पूरा दिन घूमेंगे, एंजॉय कीजिए और मैं भी थोड़ा एंजॉय करने जा रहा हूँ। चलो थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। ठीक है, आता हूँ मैं। चाचा जी बाय बाय। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो ये जो मेरी राइड हो रही है, ये हो रही है स्पीति वैली की। अब स्पीति वैली मैं लास्ट टाइम गया था 2021 मार्च में, और अभी उससे पहले गया था 2019 अक्टूबर में। 2021 मार्च में जब मैं गया था तो मैंने चंद्रताल नहीं किया था। अभी मई का महीना है और मुझे पता है कि अभी भी मैं शायद चंद्रताल नहीं ही कर पाऊँगा, क्योंकि कुंजुमला अभी भी पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है। धर्मशाला से अगर कोई बंदा स्पीति जाता है तो वैसे जो स्पीति का नॉर्मल रूट प्लान होता है वो होता है दिल्ली से फर्स्ट डे या तो शिमला या तो नारकंडा, सेकेंड डे आप चितकुल जा सकते हो, कल्पा जा सकते हो, उसके बाद काजा जा सकते हो, काजा में प्लेसेस को एक्सप्लोर करके लोसर, छत्रू, कुंजुमला क्रॉस करके फिर मनाली, ये नॉर्मल सर्किट है। लेकिन अभी जो मेरा पूरा रूट प्लान है, क्योंकि कुंजुमला का पता नहीं कि खुला है कि नहीं, तो मैं फर्स्ट डे जाऊंगा यहाँ से टुवर्ड्स जिब्भी, जिब्भी से जलोड़ी पास क्रॉस करके मैं जाऊंगा या तो नारकंडा या तो कुमारसेन, उसके बाद फिर वहाँ से हम जाएंगे कल्पा, कल्पा के बाद हम जाएंगे काजा, ताबो और नाको को क्रॉस करके, और उसके बाद काजा में चीज़ों को एक्सप्लोर करके लोसर, लोसर के बाद फिर हम, अगर कुंजुमला क्रॉस होगा तो हम वापस चले जाएंगे मनाली, मनाली से फिर इधर धर्मशाला, नहीं तो फिर भैया वही घूम फिर के उसी रास्ते से आना होगा। लेकिन अगर हम घूम फिर के आते तो शायद ऐसा होगा कि रास्ते में लौटते टाइम हम चले जाएंगे चितकुल। तो ये फ़िलहाल का मेरा रूट प्लान है। और अभी मई का टाइम है, लास्ट ईयर मई में क्या क्या चीज़ें खुल गई थी भाई। लद्दाख मेरा अप्रैल में पूरा कंप्लीट हो गया था उमलिंगला मिला के, अभी लद्दाख भी नहीं खुला है। इस बार का मौसम भाई पता नहीं, शायद ये स्पीति है या विंटर स्पीति है, पता नहीं। ये जिस रोड पर मैं अभी जा रहा हूँ, ये रोड है पालमपुर धर्मशाला रोड, और इसी रोड पर धर्मशाला से करीब 10 किलोमीटर, योल से करीब 10 किलोमीटर के आसपास है चामुंडा देवी का मंदिर। और चामुंडा देवी मंदिर जो हमारी 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक है। तो आप कभी अगर आते हो तो यहाँ पर माँ चामुंडा के दर्शन भी कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लिया, ये जो रोड है ये जा रहा है टुवर्ड्स पालमपुर फ्रॉम धर्मशाला, और अभी तक हमने करीब 20 किलोमीटर वी मस्ट हैव कवर्ड। अच्छा डीजे भाई जो है, डीजे भाई इज़ फ्रॉम केरला एंड इनको हिंदी आती है, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे मेरी इंग्लिश है वैसे इनकी हिंदी है, right. तो हम लोग ऐसा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल प्लान है हमारा कि हम लोग साथ स्पीति जाएंगे, लेकिन कभी अगर ऐसा होगा बीच में कि किसी को ब्रेक लेना होगा या किसी को आगे जाना होगा तो हम वो भी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ क्यों रुके हैं डीजे भाई? ड्रोन शॉट के लिए। हाँ।
तो ये जो रास्ते हैं, ऐसे बाइक चलाना इन रास्तों पे, कितने दिनों से मैं मिस कर रहा था कि कब ये मौका आएगा और कब मैं अपनी बाइक को लेकर ऐसे ही एकदम एज अ फ्री बर्ड निकल जाऊंगा। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है। बस थोड़ा सा जो इशू है वो चेन सेट को लेकर है। अगर मैंने अभी KTM मंडी फ़ोन करने का ट्राई किया पर फ़ोन लगा नहीं। KTM में शायद पालमपुर में KTM है ही नहीं और कांगड़ा में तो चेन सेट ही नहीं। नहीं भी हुआ ना, मुझे पता है कि भोलेनाथ सबके साथ हो जाएगा सब कुछ मैनेज, लेकिन यार इतने दिनों के बाद ऐसे ये बाइक चला के ऐसे मतलब कहीं भी रुक जाना, कहीं भी रुक के चाय पी लेना, कुछ खा लेना, फ़ोटो ले लेना। ओहो यहाँ पे तो बगल में चाय का नाम लिया और टी गार्डन मिल गया। बस ये यही तो खूबसूरती थी, यही तो चीज़ें थी जिसका मैं तहे दिल से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर अभी हम बहुत ही खूबसूरत चाय के खेत से हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स पालमपुर फ्रॉम गोपालपुर। ये जो जगह है ये है गोपालपुर। तो दो चीज़ें हुई है अभी अभी, एक तो हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं और ये चेन बड़ा आवाज़ कर रहा था तो मैंने एक बार ही फ़ोन किया KTM हमीरपुर। हमीरपुर वालों ने बोला जी सर हमारे पास है, लेकिन हमीरपुर हमसे बहुत दूर है। हमीरपुर अगर हम जाएंगे तो हमें एकदम पूरा यू टर्न लेके ऐसा करके जाना होगा। फिर मैंने ट्राई किया KTM मंडी, फ़ोन लग नहीं रहा था लेकिन जैसे तैसे नंबर निकाला और मंडी वाले कहते हैं जी हमारे पास भी है। मैंने कहा ठीक है हमारे, तो शायद मुझे लगता है KTM मंडी में जाके हमारा चेन सेट चेंज हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो जो लास्ट वीडियो में जो थोड़ा सा रिस्क वगैरह की बात हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो ये हम पहुंच गए बीर, और बीर वही जगह है जहां से मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत पैराग्लाइडिंग होती है। अभी भी ऊपर पता नहीं GoPro नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और भाई इतने ऊपर ऊपर कर रहे हैं, बहुत ऊपर ऊपर लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं भाई। ओह बाप रे, कभी किसी दिन आएंगे यार पैराग्लाइडिंग करने। यार ये जो रास्ता है ना, ये मुझे पूरे हिमाचल में वन ऑफ द बेस्ट रूट लगता है। उसका रीज़न ये है कि जो मनाली वाला रास्ता है उसको तो भैया चौड़ा कर कर के एकदम पूरा हाईवे बना दिया NH, लेकिन ये जो रास्ता है इसमें फील आता है कि हाँ हम सच में पहाड़ों पर राइड कर रहे हैं। ये देखो ऊपर फॉरेस्ट है। आपने हिमाचल के बरोट वैली के बारे में सुना होगा, तो अगर बरोट जाना हो तो ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स बरोट। बरोट यहाँ से 25 किलोमीटर है और बरोट वैली बहुत फेमस है, बहुत ही वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, प्लस फिशिंग करते हैं लोग वहाँ पे ट्रॉट फिशिंग, और कैंपिंग वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है बरोट वैली। खाने में क्या क्या मिल जाएगा? वो भैया नहीं आज, वो पिछली बार खिलाए थे मस्त एकदम पालक पनीर, वो मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम सेम इसी जगह पर मैं आदर्श भाई बैठकर यही खा रहे थे, रोटी एंड पालक पनीर। तो उस बार ही टेस्ट एकदम गजब था, मैंने सोचा फिर से वही खाते हैं। लेट्स ट्राई। ओके हाउ इज इट? इट्स अ न्यू टेस्ट फॉर मी। न्यू टेस्ट पनीर है, पालक पनीर। शुरुआत में मुझे लगा कि पनीर उतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन जैसे 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 मैंने खाया उसके बाद मुझे लगा कि पनीर का टेस्ट एकदम सेम वैसा ही है। लेकिन वो जो भैया मिले थे लास्ट टाइम वो नहीं मिले। अब मैंने दीदी को बोल दिया कि वो भैया बहुत अच्छा पनीर बनाए थे, अब ऐसा ना हो दीदी को लगे कि पहली बार, हो सकता है भैया नहीं ज़्यादातर दीदी बैठती हो और सोच रही होगी दीदी कि पहली बार कोई ऐसा मिला जो भैया के बारे में कह रहा है, एक दिन आया नहीं वो, हो सकता है भैया ने बनाया भी नहीं हो आज यार बहुत जगह मैंने
ऐसा पेड़ देखा है जिसमें कंप्लीट ब्लू पत्ते हैं। यहाँ पे तो हाँ, यहाँ जैसे आप राइट साइड में देखो ये देखो राइट साइड में कंप्लीट ब्लू पत्ते एकदम पूरे। और इसमें तो कुछ कुछ ग्रीन भी है, लेकिन ये नीचे देखो कैसे ब्लू पत्ते ऐसे गिरे हुए। ये पता नहीं कौन से पत्ते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल अलग सा, और ऐसा मैंने पहले देखा भी नहीं था। पहले मौसम में भयंकर बदलाव आ रहा भाई, कुछ कुछ जगह पे बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। ऊपर अगर आप देखो तो थोड़े से काले बादल भी हैं, काली शक्तियों ने डेरा डाला हुआ है भाई। इधर का हाल देख के तो लग रहा है कि इंद्रदेव थोड़ा सा हमसे खुश थे, इसीलिए पहले इधर का काम निपटा दिया। पूरी सड़क ऐसे गीली हुई है। खैर 11 किलोमीटर और है, बीच में मैंने अभी पेट्रोल भी ले लिया। मुझे लगा था मंडी के मेन रोड के आसपास होगा KTM का शोरूम, लेकिन ये KTM शोरूम तो एकदम मंडी के एकदम बहुत ही अंदर है। और इसी बहाने आज पहली बार मैं मंडी भी घूम रहा हूँ। आज बहुत सारे टाउन घूम लिए यार, मंडी, पालमपुर, बैजनाथ, वो रहा KTM मंडी। तो अपना इधर जो चेन का काम था वो इधर KTM मंडी में हो गया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा, मतलब बिना चेंज कराए 1000-1500 किलोमीटर चल जाता, लेकिन बहुत शोर कर रहा था जिसके कारण मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं, इसको चेंज करवाते हैं। लकीली मिल गया, काम हो जाएगा। इधर अभी चेन सेट तो मैंने चेंज करवा लिया है, आई होप अब आवाज़ नहीं आएगी। और वैसे आवाज़ का इशू नहीं था, मतलब आवाज़ कितना भी आए मेन था कि चेन चेंज करवाना था, क्योंकि 18,000 किलोमीटर हो गए थे यार, 18 या 15 शायद, और 3,422 रुपये लगे हैं KTM मंडी पे, फर्स्ट डे ही इतना खर्चा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और पता नहीं क्यों गूगल मैप ऐसा बता रहा है कि आगे थोड़ा सा जाम है, किस बात का है पता नहीं, पर जाम है। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि आवाज़ हो रहा है, हो भी रहा है तो अभी पता नहीं चलेगा, पर नहीं हो रहा शायद, अब नहीं हो रहा, गुड। पैसा इन्वेस्टेड एट द राइट प्लेस। यार मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सही किया चेन सेट चेंज करवा के, क्योंकि बाइक का जो परफॉर्मेंस है ना, बिहेवियर है, वो कंप्लीट बदल गया यार। मतलब इतने दिनों में मुझे लग रहा, पता नहीं मैं कैसे चला रहा था, गियर चेंज करने पे जो आवाज़ आती थी कड़कड़ कड़कड़, प्लस ऐसा लग रहा था बाइक मंजूलिका बन गई है, और अभी मुझे तो स्पीड भी बढ़ गई है थोड़ी। मौसम फिर से बेईमान हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यार कि मैं रेनकोट पहनूं, लेकिन मुझे लग रहा है मौसम बेईमान हो रहा है या हो चुका है। किधर किधर से जा रहा हूँ, थोड़ा भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हो रही है। यहाँ पर अभी हम मंडी में हैं, बाइक ठीक करवा के जस्ट थोड़ा सा आगे आए थे कि बारिश होने लगी, तो यहाँ पे साइड में रुक के, यहाँ पे साइड में रुक के सारा सामान डाला अंदर, GoPro हटा दिया है भाई। अब जब बारिश रुकेगी तब मिलते हैं। वैसे एक्सपेक्टेड कम है, क्योंकि आगे का मौसम ठीक ही लग रहा है, बारिश थोड़ी कम भी हो गई लगता है भाई। फुल इधर इंद्रदेव हमसे ऐसे खेल रहे हैं, कभी बारिश हो जा रही है, कभी देखो धूप आ गया। ये पूरा पहनने में ना, आज ये नीचे वाला जो मेरा रेन पैंट है ये नया मैंने लिया था, इसको पहनने में मुझे आधा घंटा लगा है, पता नहीं कौन सी मैकेनिज्म थी ये। पहन के जैसे मैं रेडी हुआ धूप निकल गई है, अब लग रही है अंदर गर्मी, लेकिन मैं इसको खोलने वाला नहीं हूँ। ये बस इन्फॉर्मेशन था कि बारिश ख़त्म हो गई है, और यहाँ से 70 किलोमीटर है जिब्बी, तो हम लोग जिब्बी के साइड जा रहे हैं। बाइक अब एक नंबर बन गया यार, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई एम ग्लैड कि मैंने आज ये चेंज करवा लिया, और अब मैं GoPro वापस से लगा रहा हूँ, और अब आप एंजॉय करो मोटो व्लॉग। तो ये वो रास्ता है जहाँ से द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्टार्ट होता है, और यहाँ से आप सेंज वैली और तीर्थन वैली जाते हो। तो यार अब हम अप्रोच कर रहे हैं यहाँ से टुवर्ड्स सेंज वैली और तीर्थन वैली। हालांकि जो हम अभी जाएंगे वो हम जाएंगे टुवर्ड्स शायद तीर्थन वैली, क्योंकि सेंज वैली के साइड आ जाता है शानगढ़ और शायद सरची का आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम जाएंगे टुवर्ड्स जिब्बी। और लास्ट टाइम यहीं पे आके मेरा GoPro का माउंट ही टूट गया था। अभी मैं वेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब का, डीजे का। डॉक्टर साहब और डीजे कैसे दोनों डिफरेंट है।
यहाँ से करीब हमें 1-1.5 घंटा लगेगा, पर अभी ओ भाई अभी 7 बज गए। ओ यार यार अभी अभी मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, मतलब डीजे से, डॉक्टर साहब से मुझे याद आ जाता है यासिर भाई का। खैर यासिर भाई के साथ भी बहुत जल्द एक बहुत भयानक राइड होने वाली है, तो मैंने अभी पूछा डीजे से कि डीजे वेयर आर यू, तो डीजे कह रहा कि आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ द टनल। मैंने कहा गए क्यों अंदर, जाना ही नहीं था, मैंने बताया था डीजे को, बट समहाउ ही मिस्ड, वो अंदर चला गया। अभी वो आएगा फिर हम लोग इधर से जाएगा। एंड हियर कम्स द डीजे। डीजे आपने मैप नहीं लगाया? मैप लगा भाई, लेकिन मैंने सोचा आप अंदर गए ना। नहीं कैसे सोचा, मतलब सोच लिया भाई, व्हाट हैपेंड यू नो, देयर वाज वन ऑफ आई थिंक सम ऑफ योर फॉलोअर्स इन कार, एंड देन दे हैपन टू टेक योर वीडियो। ओके, सो दे वर लाइक एक्चुअली ओवरटेकिंग मी, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू गो विद यू ना, लाइक ट्राइंग टू, बट दे वर लाइक कमिंग इन बिटवीन, एंड देन आई वाज लाइक ओके। देन व्हेन आई वाज हियर आई थॉट लाइक ओके, दो तीन गाड़ी बीच में है ना, तो यू माइट हैव वेंट इनसाइड, राइट? सो आई वाज लाइक ओके, एंड देन आई वाज नॉट एबल टू सी द रिफ्लेक्टर आल्सो, दैट इज नॉट थिंग, राइट? सो आई वाज लाइक ओके, सी द रोड है, तो यू हैव वेंट फास्ट, नो? या यू नो दिस इज द व्हाट डू यू से, नेगेटिव साइड ऑफ राइडिंग विद अ फेमस पर्सनालिटी। डोंट वरी, जस्ट गेट यूज्ड टू इट। इट्स नॉट द नेगेटिव साइड, बट आई डिडंट वांट टू ट्रबल यू, सी, बिकॉज़ आई वेंट आउट ना, यू वर नॉट एबल टू रीच मी आल्सो, देयर वाज नो सिग्नल। सो नो वरीज, इट्स ओनली जस्ट 1 hour and 10 minutes, विल मेक इट, द रोड इज गुड नाउ। Now is the time, my friend, जब ये सारी चीज़ें हटा के हमें, ओ भाई ये तो गंदा है बहुत ज़्यादा, मैड डॉग को यूज़ करना पड़ेगा जब ज़रूरत होगी, ऐसे हमेशा नहीं जब ज़रूरत होगी। दिस प्लेस इज़ नोन एज लार्जी, लेफ्ट साइड सेंज वैली, राइट साइड तीर्थन वैली। तो यहाँ पर अभी हमने एक ब्रेक लिया है, ब्रेक मतलब एक स्टॉप लिया है, यहाँ पे एक है कैफ़े जिसका नाम है तीर्थन सनशाइन कैफ़े। तो मैंने सोचा ऊपर जाके पता नहीं किधर बाइक वाइक लगाने मिलेगा, पिछले बार भी मुझे जगह नहीं मिला था, तो मैंने यहीं पर आके खाना खाया था, मैंने सोचा यहीं पर खाते हैं आके, और आज कुछ स्पेशल ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम डीजे भी ट्राई कर रहे हैं, एंड दिस इज सिद्धू, सिद्धू और सिद्धू चटनी के साथ भी है एंड घी के साथ भी है। फर्स्ट टाइम ट्राइंग विथ घी, मैं क्यों अंग्रेजी बोल रहा हूँ। घी के साथ तो मुझे लगता है ये सिद्धू से ज़्यादा अच्छा मुझे घी लगा। घी इज अमेजिंग। अभी मुझे इसके साथ पता लगेगा, ये ज़्यादा तीखा तो नहीं है, पता चले ये वसाबी हो। तो आज फाइनली हमने सिद्धू ट्राई किया, तीर्थन कैफे में बहुत मज़ा आया, और भैया ने ही सजेस्ट किया था कि खा के देखो, तीर्थन सनशाइन कैफे। तो इतना सारा खाना खाने के बाद नाउ वी आर लिविंग, और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स जिब्बी। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बंजार, और फटाफट जिब्बी या सोझा इसमें से कोई एक प्लेस, या फिर शायद उससे पहले कहीं भी एक होम स्टे लेते हैं या डॉर्मेटरी लेते हैं फटाफट, और फिर वहीं पर जाकर आज स्टे लेते हैं, और वहीं पे मैं आपको मिलता हूँ। नहीं पता मुझे गोप्रो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत चांद मैंने आज तक नहीं देखा यार। ओ भाई अमेजिंग। तो हम पहुँच गए हैं, ये है जिब्बी से पहले आता है बंजार, वहीं पे एक हमें बहुत अच्छा सा होम स्टे मिला, सानिध्य पैलेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके बारे में मैं आपको कल बहुत डिटेल में बताऊँगा। बहुत प्यारा रूम मिला मुझे, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस, रिजनेबल नहीं बोलूँगा मैं, रिजनेबल प्राइस इससे ज़्यादा होना चाहिए जिससे जितने में हमें मिला है। तो आज की रात हम लोग यहीं पे स्पेंड करेंगे, और कल स्पीति का नेक्स्ट डे रहेगा, कल हम टूवर्ड्स जाएंगे कल्पा, देखते हैं कल कहाँ तक कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है कल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। डीजे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बाय द वे? I loved it, you know. This was one hell of a trip. I mean, I don't want to, you know, I don't want any halting in between, but this has to happen, you know. So I'm loving this opportunity, and then, yeah, so very good time. You know, do subscribe and then watch the videos, you know, please. So we'll see you very soon in Spiti Ride's next episode. Until then, bye-bye. Thank you.